हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में पहले तो पीछे देख लो आप, बहुत बारिश कर दी है और मैं दुकान के पास नीचे खड़ा हूँ। साइड में दुकान चाबी तो है नहीं मेरे पास है। और बस तो आज हम कहीं जा रहे हैं, ऐसे जाना दो जगह है। दूसरी मतलब पहले तो मैं जग को जाऊँगा, ऐसा जग को जाना था बट बारिश कर दी है, जाना मैंने स्कूटी पर ऐसा। और बस और दूसरी एक और जगह जो आपको मैं बाद में जाऊँगा, वो सब मैं वेट कर रहा हूँ कब लेवल की बारिश लगी है। सर अभी मुझे यहाँ रुके हुए कम से कम 30-40 मिनट हो चुके हैं, मतलब कब से मैं इधर ही खड़ा हूँ। और ये बारिश रुकने का नाम नहीं। गाइस अभी मेरे साथ है अवनीश। एक्चुअली मैं अपनी LOC थी ना, तो मैं मतलब परसों मंडे है तो मैं मंडे को स्कूल जाऊँगा नहीं। और बस तो मैंने अभी इसके पास दे दी LOC, बताओ कहाँ पे ये है, इसके पास दे दी। और बस अभी मैं जा रहा हूँ और मैं इसको सब देने आया था, मैं जब को जा रहा हूँ। अभी ये थोड़ा फिक्रा बन के करेगा तो आप देख सकते हैं। सो अभी मैं इसके गैराज में खड़ा हूँ और अभी बस मैं इसको LOC देने आया था और उसके बाद मैं अभी जग को जाऊँगा। अब उधर जग में मेरे को सानिध्य भी मिलेंगे, उससे मिलाएंगे आपको। सानिध्य के घर के साइड में जग है और इसके बाद मैंने LOC देनी है। सो अभी मैं मतलब थोड़ा बहुत भीग चुका हूँ और अभी मैं रेस्ट हाउस के सामने हूँ, तीरा का रेस्ट हाउस मेरे साइड में। और बस मैं भीग चुका हूँ थोड़ा बहुत और इधर मैं वेट कर रहा था अभी। चलो जग को और ये पीछे सानी देख ले भाई, ये पीछे और इसके घर के मतलब नज़दीक है थोड़ा जग मेरे को। और बस आपको एक यहाँ का व्यू बता, हम इधर पहुंच चुके हैं। 2 hours later। सो अभी हम आ चुके हैं, मतलब मेरे बाल तो भीग गए। सो अभी हम जहाँ हमें जग था वहाँ से आ चुके हैं। सो इधर सानिध्य बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में गुजर ना जाए दिन कहीं। अभी रात के 8 बज चुके हैं और अभी हम रुके हैं कहीं पे और यहाँ से शिमला 20-40 किलोमीटर दूर है। ये मम्मी और दी है और बस अभी हम शिमला के थ्रू जाएंगे सोलन। और हम सोलन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इसका हेल्प ये है मेरे बहन सी काउंसलिंग में होता है। तो बस तो हम सोलन जाएंगे, तो हम जाएंगे शिमला के थ्रू और शिमला 40-50 किलोमीटर है। होटल में आ चुके हैं, हमने चेक इन कर लिया रात के टाइम में, और साढ़े मतलब 11 बजते समझो अभी हमारा रूम हो जाते हैं। सो ये हमारा रूम जो कि बहुत सही है, ये बाथरूम है सेट जो कि दिखाने की चीज़ नहीं है और ये बेड है। तो ये हमारा होटल जिसमें हम रुके हैं, होटल एम्बुजा रिसोर्ट। एंड अभी हमने डिनर भी ऑर्डर कर लिया है एंड बस आने वाला है वो। फिर हमारा डिनर आ चुका है। द नेक्स्ट डे ये है बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, चारों तरफ धुंध धुंध है, नीचे गाड़ी चल रही है, धुंध है, थोड़ा ठंड है ना यहाँ। तो अभी हम नहा धो के आ चुके हैं और बस ना पी दिए, अभी बाल भी पा रही है और पीछे अभी भी धुंध है। यहाँ पर लाइट ठीक है और तो अभी हमने अपनी बहन के स्पेक्सेस पहन लिए हैं, देख सकते हो। कमेंट में बताना कैसे लग रहा है और
ठीक है, पर अभी हम बस चेकआउट करने वाले हैं। सो अभी हम चेकआउट कर चुके हैं, ये पूरा होटल। यहाँ से नीचे को भी जाते हैं, ऊपर को भी, हम ऊपर को जाएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी। तो अभी हम डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं। यहाँ मतलब यहाँ पे इसकी काउंसलिंग, और ये पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे ये है पूरा ग्राउंड यहाँ पर, और सामने व्यू। ये यहाँ की लाइब्रेरी, सत्यानंद स्टोक्स लाइब्रेरी, एंड ये पूरा कैंपस। ये हॉर्टिकल्चर कॉलेज, ये इनका ऑडिटोरियम जो कि काफ़ी बड़ा है, एलएस नेगी ऑडिटोरियम। हाय गाइस, दिस इज मी। अभी हम इस यूनिवर्सिटी की कैंटीन में आ चुके हैं, और इधर ब्रेकफास्ट करेंगे, परांठे वगैरह, मेरी बहन और मम्मी। बस बढ़िया कैंपस है इसका यूनिवर्सिटी का, एंड ऑडिटोरियम तो काफ़ी बड़ा है। ये यहाँ की कैंटीन, ये वो ऑडिटोरियम पीछे, और इसके पीछे भी एक और साइड पर। इस ऑडिटोरियम के पीछे का व्यू भी ऑसम है। देखो इधर एक फाउंटेन है, बट उसमें पानी नहीं है। सो ये है वो काउंसलिंग का एरिया। पहले मुझे लगा ये थिएटर है, बट हम एक घंटा वेट कर रहे थे, और अभी काउंसलिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है। और मम्मी के इतनी मतलब ये दर्द, अभी इन्होंने दवाई खा ली है, और अब नीचे पानी पीने चल रहे हैं। तो अभी मैं शॉप से पानी और एक जूस भी लेके आ गया हूँ, और बस अभी मैं वापस जा रहा हूँ इधर। अंदर पानी तो था, पर हमने बोतल लाई है, तो बस बाहर से लानी पड़ेगी। छः बजे हम सुबह के, कितने बजे आए थे? साढ़े ग्यारह बजे आए थे, नौ बजे आ गए थे इधर, तो साढ़े ग्यारह बजे आए थे। और बस अभी छः बजे हम यहाँ से चले हैं। और तेरे को क्या हुआ था? मेरे को बी एस सी हॉर्टिकल्चर। और बस कम से कम मैं तो भाई 5-6 घंटा ऊपर बैठा रहा, बहुत बोरिंग फॉर्म है। एक तो मैंने आज ऊपर से छुट्टी मारी है स्कूल से, गाइस लुक, एक तो आज मैंने छुट्टी मारी और पीछे बंदर जा रहे हैं। सो अभी हम इधर आए हैं, एक पिज़्ज़ा हट है, एक के एफ सी है, सब उन के एफ सी में डिनर वगैरह करेंगे। तो अभी हम हैं लिफ्ट के अंदर। सो ये है फूड कोर्ट यहाँ का, इधर के एफ सी भी है, इधर पिज़्ज़ा हट भी है, दो तीन और ब्रांड्स हैं, डोमिनोज भी है। वो भी हमने ऑर्डर कर लिया, कढ़ाई पनीर, बटर नान, एंड दो तीन चीज़ें और है, और बस सब आने वाली है, एंड एक पिज़्ज़ा भी लिया नान। तो अभी हमने डिनर कर लिया है, और एक पिज़्ज़ा बची है, और इसको हम गाड़ी में ले जाएंगे। और बस बढ़िया रहा KFC, पिज़्ज़ा हट। अभी रात के 2 बज चुके हैं, और अभी हम घर पहुंच चुके हैं। इन आंखों का साया तुम्हें ही है, क्या चीज हो तुम, खुद तुम्हें मालूम नहीं है।